हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि सर्वर डाउन की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। आपको पता है कि सीटेट का जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी वो 2 अप्रैल थी, जो कि आज है। और 2 दिन पहले से जैसा कि देखा जा रहा है कि सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या लास्ट डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इस टॉपिक को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। और करेक्शन को भी लेके बात करेंगे कि कई बच्चों का क्या हुआ ना कि फॉर्म में जो है कुछ मिस्टेक्स आ गई, कई सारी मिस्टेक्स आ गई। अब बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उसका भी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान हम लोग बताने वाले हैं। देखिए आपको बता दें कि जो आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो आज 2 अप्रैल का है, ठीक है। समस्या ये है कि जो है कि क्या फॉर्म फिल हो पाएगा। देखिए आपको बता दें, कई सारे बच्चों का क्या है कि पेमेंट भी रुका हुआ है ना, पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही है। पेमेंट जैसे कि उन्होंने कर दिया बट फंस गया, और कई बच्चों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो रहा है। तो पहले तो मैंने ये कहा था कि जैसे ही फॉर्म आए आप लोग फिल कर देना, लेकिन चलिए किसी कारणवश आप लोगों ने नहीं फिल कर पाए, कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है आपके पास। और आपको बता दें क्या लास्ट डेट इसकी बढ़ेगी, तो जैसा कि सीटेट का जो आज तक का जो बता दें कि कई लास्ट ईयर चाहे देख लीजिएगा, ठीक है, चाहे लास्ट ईयर देख लीजिएगा, चाहे उससे भी लास्ट ईयर देख लीजिए, तो सीटेट जो है अपना टाइम इंक्रीज़ करती है, भले ही 2 दिन के लिए टाइम बढ़ाए। आपको बता दें जो करेक्शन का डेट दिया है इन लोगों ने वो 8 से 12 दिया है, मतलब 5 दिन का आपके पास टाइम है, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा 5 दिन का टाइम है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो 2 से 8 के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसी में लोग टाइम इंक्रीज़ करेंगे। आप देखना कि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी, और उसमें जो है आपका भले ही 2 से 3 दिन का ही टाइम इंक्रीज़ हो, और उसमें आपका टाइम जो बढ़ाया जाएगा। और जो टाइम आपका बढ़ेगा उसमें जो है क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम है। और काफ़ी सारे ईमेल्स भी किए गए हैं सीबीएसई को काफ़ी ज़्यादा मेल्स भी किए गए हैं कि जो सर्वर की प्रॉब्लम है, तो भाई इसमें छात्रों का तो कोई दोष नहीं है, अब साइट ही नहीं चल रही, सर्वर ही हैंग हो गया, तो इसमें क्या बच्चा करेगा, क्या स्टूडेंट्स करेगा। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ तक बात भी पहुँची है। और इन लोगों का ये हमेशा का वो नियम भी है कि 2 से 3 दिन का बच्चों के हित में जो है टाइम इंक्रीज़ करते हैं, तो इस बार भी आपको ये चीज़ देखने को मिलने वाली है। बात कर लें कि फॉर्म करेक्शन में क्या क्या आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, तो देखिए आपको बता दें, जैसा कि नाम में कोई मिस्टेक्स हो गई है, मदर फादर के नाम में कोई मिस्टेक्स हो गई है, एड्रेस वगैरह, तो ये चीज़ देखिए, मोबाइल नंबर तो आपका अब करेक्शन नहीं हो सकता, जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो अब वही रहेगा, ठीक है। और वो जो मोबाइल नंबर है, जब तक आपका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट ना आ जाए तब तक तो वो नंबर आपका चलता ही रहना चाहिए। फिर आपको पता है क्योंकि 1 महीने में रिजल्ट और फिर सर्टिफिकेट भी आपका आता है ना, तो उस टाइम तक आपको जो भी नंबर आपने डाला है, भले ही किसी घर परिवार में ही किसी का नंबर आपने डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस वो नंबर आप चालू रखना अभी फ़िलहाल। तो देखिए आप ये सारी चीज़ें जो है, कई बच्चे क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म फिल करवा देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कैफ़े वाले ने क्या गलती कर दी है ना, तो वहाँ से जो प्रिंट आउट निकल के मिलता है ना, फिर आप लोग उसमें देखते हैं कि अरे ये मिस्टेक्स हो गई, 1-2 अल्फ़ाबेट भी इधर उधर हो गया, तो दिक्कत आ जाती है। आपको बता दें कि जो चीज़ उसमें फिल हो गई, फिर आपका जो सर्टिफिकेट आता है फिर उसमें वही चीज़ फिल हो के आएगी और वो हमेशा फिर वही चीज़ बनी रहेगी। आप अगर सोचें कि हमारा जो रिज़ल्ट या सर्टिफिकेट आएगा फिर उसके बाद कोई करेक्शन हम करवा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करेक्शन होना है आपका 8 से 12 तारीख का जो टाइम दिया गया है, आपको उसी में ही अपना करेक्शन करके और उसको जो है आप करेक्शन कर दीजिएगा, वो चीज़ आपकी फिर मान ली जाएगी। और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट जो फिक्स है उसी निर्धारित टाइम में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 7 जुलाई को है, तो आप लोग अभी से पढ़ाई भी करते रहिएगा, है ना। तो अभी जो आपका अगर आप परेशान है कि फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या ना करें, तो आपको परेशान होने की अभी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो डेट है ना वो इंक्रीज़ होने वाली है। आप देखिएगा 2 से 3 दिन उसमें बढ़ेगा, फिर अगर कोई किसी भी कैंडिडेट्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है करेक्शन करने के लिए, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, अगर बात कर ली जाए कि मिस्टेक्स कहाँ पे हुई हैं, तो देखा जाए तो पेपर 2 में काफ़ी सारे बच्चों में ये चीज़ डाउट रहती है, वो ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शंस है, बीएड या डीएड में उसमें कंफ्यूज रहता है, पेपर 1-2 या साइंस है कि आर्ट है, तो ये चीज़ें में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है दिक्कतें।
तो इसमें क्या होता है, दिखते हो जाती फिर वो चीज़ जब फॉर्म फिल हो जाता है बाद में समझ में आता है कि अरे यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और हाँ आपको बता दें, जो करेक्शन आप करेंगे ना उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको अतिरिक्त चार्ज कोई नहीं देना पड़ेगा। आपको पता है कि पेपर वन के लिए अगर कोई भी आप सिंगल पेपर भरते हैं, चाहे पेपर वन हो चाहे टू हो, आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। और आप अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो है 1200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब कि आप अगर बोथ पेपर, मतलब दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो 1200, सिंगल एक पेपर के लिए कोई भी हो फर्स्ट सेकंड, तो 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और रही बात आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपका एग्ज़ाम आप सभी को पता ही है, ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होना है 7 जुलाई को। सेंटर आपका वही होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, है ना, तो इसमें भी आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही ज़िला मिलता है इसमें, और जैसा कि पिछले बार भी हुआ था। चलिए फिर, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।